हेलो गाइस, माय नेम इज लखन एंड आई लव नेचर। दोस्तों, मैं आपको नेचुरल वीडियो डालता हूँ जिसमें मोस्टली नीलगाय के, पिकॉक्स के, जंगल में और भी बहुत सारे पक्षी, स्नेक्स वगैरह सारी चीज़ें मिलती हैं, उनके वीडियो डालता हूँ। आज मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ कि नीलगाय जो होती हैं, अक्सर मैंने आपको बताया कि खुले एरिया में रहती हैं, और जो नर हैं, नर यानी मेल नीलगाय हैं, वो ज़्यादातर अकेले रहना पसंद करते हैं। लेकिन जैसे 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 अंधेरा होता है, यानी दिन छिपने लगता है, यानी रात होना शुरू होती है, तो ये कहीं भी दूर दूर हों और तो ये सारे एक एक करके आसपास एक साथ आ जाते हैं और सारे झुंड में बैठ जाते हैं। देखो सामने, इसका तो नज़र मेरी तरफ हो चुकी है, लेकिन खुले एरिया में रहते हुए भी, अकेले रहते हुए भी, जैसे अंधेरा होना शुरू होता है, तो चारों तरफ के नीलगाय एक जगह आते हैं। और जब ये बैठते हैं, इनकी जो बैठने की जो एक स्पेशली अदा है, वह है कि इसका जो बैक है, इनकी पूंछ को ये अंदर की साइड कर लेते हैं, चेहरा चारों तरफ कर लेते हैं बैठते समय, ताकि कोई खतरा किसी की तरफ से भी अगर आता हो तो उसको महसूस कर सकते हैं। और दोस्तों, बहुत प्यारा एनिमल है यार, बहुत ज़्यादा प्यारा एनिमल है। ऐसे कॉमेंट भी आते हैं कि यार कितना प्यारा है, लेकिन जहाँ पर ये किसानों के लिए फसल को बर्बाद करता है, वहाँ ये प्यारा नहीं है। और दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जहाँ नहीं है के मतलब यूपी का एरिया है, जहाँ पश्चिमी यूपी में है, लेकिन बिहार और इधर की साइड ये नहीं है। हमारे राजस्थान में तो ये भरपूर है, हरियाणा में है, मध्य प्रदेश में है, लेकिन भारत का कुछ एरिया, लेकिन अरब कंट्री जैसे, वहाँ तो बिल्कुल ही सारे ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि लोग शिकार करते हैं। पाकिस्तान में भी ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वहाँ भी शिकार करते हैं लोग इनका, लेकिन जहाँ जहाँ शिकार करते हैं वहाँ ये बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। इस प्यारे से, इस सुंदर से नीलगाय के लिए प्लीज़ यार एक बार मेरे वीडियो को फेसबुक पर शेयर जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने।